रहमान रहीम, आज चिकन पकोड़े बनाने जा रहे हैं और आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। चिकन पकोड़े बनाने के लिए हमने एक पाव चिकन ले लिया है जिसके छोटे छोटे पीस बनवा लिए हैं और हमने इसको थोड़ा सा नमक डाल के आधा कप पानी में बॉयल कर लिया है। ये चिकन हमने बॉयल कर लिया है इसलिए ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। कच्ची चिकन भी आप ले सकते हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से गलती नहीं है और जब पकोड़े तलो तो पकोड़े तो ब्राउन हो जाते हैं, चिकन कच्ची रह जाती है, इसलिए हमने बॉयल किया हुआ है। आप बगैर बॉयल हुआ कच्ची भी चिकन ले सकते हैं, तो दोनों तरीका है। तो इसके लिए हमने आधा पाव बेसन लिया है, एक पाव चिकन, आधा पाव बेसन लिया है, दो बड़ी कटी हुई प्याज ली है, एक आधा कप आधा प्याला हमने धनिया का लिया है, हरा धनिया, और चार हमने मिर्ची ली है, हरी मिर्ची चार ली है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट एक चम्मच लिया है, और एक चम्मच गरम मसाला लिया है, एक चम्मच पिसी लाल मिर्च, और ये एक छोटी चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, और एक छोटा चम्मच अजवाइन का लिया है, और ये मीठा सोडा है एक आधा चम्मच, और नमक जायके के मुताबिक एक चम्मच लिया है, जितना आप डालें कम ज़्यादा। एक चम्मच नमक ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी का ले लिया है, और एक चम्मच अनारदाना का लिया है हमने। ये सबसे पहले हमने बेसन ले लिया, इसको इसमें डाल लेंगे बड़े बाउल में डाल के, इसको इसमें थोड़ी हल्दी, हमने बताई थी हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा और ये नमक, ये डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिला लेंगे इस तरह। ये मिला रहे हैं, इसके बाद ये चिकन और ये सारे मसाले मिला के फिर इसमें ऐड कर लेंगे। बेसन में हमने सोडा थोड़ा डाला है और एक चम्मच नमक डाल के, आधा चम्मच ये सोडा डाला था हमने बता दिया था, और एक चम्मच नमक डाल के मिक्स कर लिया अच्छी तरह। देखिए ना ज़्यादा ये मोटा है ना पतला है। अब इसमें हम चिकन डाल लेंगे, चिकन डाल लिया है, फिर इसमें प्याज डाल लेंगे, ये प्याज डाल लिया है, ये ज़ीरा डालते हैं, और एक चम्मच अदरक और लहसुन डाल दिया है, एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, ये अजवाइन डाल दिया है एक चम्मच, और ये चार कटी हुई हरी मिर्च, और एक चम्मच पिसा हुआ मिर्च, लाल मिर्च डाल दिया है। अब ये डाल के सारा कुछ मिक्स करेंगे। ये कटी धनिया भी हमने डाल दी है, सारा गरम मसाला डाला, सब सारा सामान डाल के, कटी मिर्च, कटी प्याज, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, अजवाइन, सोडा, ये सब कुछ डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसको तलेंगे, ये बहुत अच्छे बनते हैं रमज़ानों में, अफ्तारी में बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, बड़े मच्छे और बहुत झटपट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया है, चिकन पकौड़ा मसाला मिक्स हो गया है, अब इसको तलेंगे। देखिए तेल हमने पहले से फ्राई पैन में चढ़ा दिया था, अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसको आधी आँच कर लेंगे, फुल आँच पे नहीं पकाएंगे, इसलिए कि ये जल जाएंगे, जल्दी ब्राउन हो जाएंगे अंदर से, फिर कच्चे भी रह जाएंगे। हालांकि हमारे कच्चे नहीं रहेंगे, हमने बॉयल कर लिया था, आपको बताया आधा बॉयल कर लिया था नमक डाल के आधे कप पानी में, तो आप वैसे कर लीजिएगा या कच्चा रखिए, कच्चा रखना चाहें, कच्चे में पकाना चाहें मसाला डाल के तो वैसे ही पका सकते हैं। अभी हम तलने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह, ये जल्दी पक जाएंगे, झटपट तैयार होने की वजह से हमने, और कच्चा ना रहने की वजह से हमने बॉईल कर लिया था चिकन को। ये नीचे से ब्राउन हो गया है, इसको उलट रहे हैं इस तरह से, एक एक करके उलट लेंगे,
ये दूसरे चम्मच की मदद से उलट लिया अच्छी तरीके से। ये अब नीचे का हिस्सा ही पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, फिर उतार लेंगे। ये हमारे पकोड़े अब तैयार हो गए हैं, इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है, पक चुका है ये। आप इनको अफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ बाद में डाले थे इसलिए थोड़े रह गए हैं, अब इसको भी उलट पुलट कर देते हैं। अभी तैयार हो जाएंगे ये भी, चिकन पकौड़ा हमारा। आप इनको चटनी से खाएं, इमली की चटनी से खाएं, टमाटो केचप से खाएं, टमाटर की चटनी से। रमजानों में अफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये अच्छी लगे तो हमें बताइएगा।